जान गए। पता है हम लोग किससे मिले? गेस करो। किससे? ज्योतिश रे से। यस। चल रहा है, एक वीडियो शूट हो रहा है। वाह, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा व्यू ले लिया। आप देख लेना, फंस गए यहाँ पे, बचाओ हमें कोई। प्राइस देने वाले, तुमको कैसा लगा? रुको जरा, सबर करो। गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं रेडी होकर घर से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी खास। फर्स्ट टाइम मैं किसी को देने वाली हूँ सरप्राइज़, वो भी छोटी को, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, नेक्स्ट व्लॉग पर मैंने बोला था कि उसका 100K होने वाला है। कुछ लोग जा करके फॉलो कर देते, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, जल्दी से उसका 100K कर दिया। तो उसको मैं एक छोटा सा सरप्राइज़ देने वाली हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं, मतलब उसको ऐसा हम जताए हैं कि हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हारा 100K हो गया है बोल के। तो जस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी जा रहे हैं हम उसके लिए कुछ सरप्राइज़ देने के लिए। तो कंटिन्यू रहो, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत धूप दे रहा है यार, बहुत ज़्यादा। 12 बज गया है। आओ लेट्स गो। बाद हम घर से निकले, एग्ज़ाम हो गया, मेरा एक और एक एग्ज़ाम बाकी है, उसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, उसी का पता करने आए हैं। कॉलेज आ चुके थे, अभी चलते कुछ पता करने। देखते भर देखो, बंद हो गया ना सब, थोड़ा सा तो भाग गया। कॉलेज पे कुछ काम था तो वो काम हो गया है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। इतना ज़्यादा धूप दिया, इतना ज़्यादा डस्ट ऊपर से, घुमा गाड़ी घुमा। अब मेरा बाल वगैरह सब खराब हो गया। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, और किसी और दिन आपको कॉलेज का व्यू दिखाएंगे। अभी तो सब कुछ चल गया, खाली हो गया पूरा। के लिए इतना दूर आना पड़ा पूछने के लिए, वो भी पता है, फ़ोन पे बताता नहीं है कोई, तो जिसका काम है वो कॉलेज में ही आके पूछना पड़ेगा। तो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, तो अभी जा रहे हैं कुछ ख़रीदने के लिए। एक वीडियो शूट हो रहा है, सो देखो इतना धूप में यार वीडियो शूट करना चाहिए था, तो सुबह आके करना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। मार्केट लगा है यहाँ पे, और हम लोग को वहाँ पे मार्केट लगता है मंडे को, तो यहाँ पे आज मंगलवार को लगा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मॉल घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मॉल खुला हुआ है, और एक भी मेरा मतलब अंदर नहीं गए, बाहर से ऐसे देखे हैं, पिक में देखे हैं। इस बलियापुर का मार्केट जो कि काफ़ी भीड़ रहता है, बट हम एक बार भी शॉपिंग नहीं किए यहाँ से। इधर देख लो, सारे कपड़े मिल जाएंगे आपको, सब कुछ मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी स्मार्ट बाज़ार जो कि है बलियापुर में, और वो भी फर्स्ट टाइम हम लोग विजिट करेंगे यहाँ। और आते आते हालत ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप दे रहा था। चलो अंदर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, फर्स्ट टाइम जाएंगे और कैसा नहीं, कैसा है कैसा नहीं अंदर ही बताएंगे। तो प्राइस 199 ऐसा, बोतल इसको पसंद आ गया, बट हम नहीं दे सकते, बहुत प्राइस है। प्राइस देखोगे आप लोग बोतल का, दिखाती हूँ मैं आपको प्राइस। इस पर हमारा 6 बोतल आ जाएगा घर पे, ये 269 का है, 6 बोतल आ जाएगा आराम से। ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, ये वाला टूट जाएगा, प्लास्टिक का है ना, बट स्टाइलिश लग रहा है। इस पे सामान देखो, और कभी अपन देख रहे हैं ये खाने का सामान, जो क्या कोकोनट वाटर, नीचे जा रहे थे, कितना मज़ा आ रहा है। वाह, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा व्यू ले लिया। आप लोग देख लेना, और आना यहाँ पे जरूर घूमने के लिए। जा रहा कि नहीं नीचे? हम लोग दोनों फंस गए यहाँ पे, बचाओ हमें कोई। जा रहा नीचे, और एक बार हम लोग ऐसे इस तरह
हम लोग दोनों मॉल पे घूम ही रहे थे। घूमते घूमते मुझे अचानक क्या दिखा, निकलते टाइम मैंने देखा सामने ज्योति दी और मनोज भैया थे। ऐसे में मनोज भैया से बहुत बार मिल चुकी है बट ज्योति दी से कभी नहीं मिले थे। मॉल पे मैंने मिला, मैं जस्ट शॉक हो गई थी, क्या बोलूँ। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया, बात किए, उसके बाद बहुत अच्छा लगा दोनों से मिल के। मॉल से निकल गए हैं और कुछ खरीदे नहीं, बस तो ये ठंडा खरीदे। और जो यार वीडियो बनाने नहीं दिया क्योंकि अलाव नहीं है अंदर में वीडियो बनाऊँ, फिर भी चुपके चुपके मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। और पीछे आप लोग मॉल देख लो, सुहाना आप लोग घूमने के लिए काफ़ी अच्छा मॉल है, ठीक ठाक ही है बोलेंगे तो, ठीक ठाक नहीं बहुत ही अच्छा है। ये पी लिया, उसके बाद हम चेस कर रहे हैं उसके साथ। चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते बहुत धूप दे रहा है बाहर में। हम निकल गए हैं मॉल से और जाएंगे छोटी के लिए कुछ खरीदने, जैसा कि मैंने बोला था, बट मॉल पे कुछ मिला नहीं वैसा जो हम लोग खरीदने वाले थे, तो अभी देखते हैं हम लोग उधर मार्केट में उधर ले देंगे। ये कितना मस्त लग रहा है ना दिखने में। भाई यह है अभी पेट्रोल भराने के लिए, बिकॉज उसके बाद टंकी इधर कब आएंगे पेट्रोल पम्प पता नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ वो साइड और वो आएगा उसके बैठ के जाएंगे। अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे जब रेडी हो जाएंगे तब। दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है, गेट लगा के रख दिया है। खोलो, नहीं खुल रहा। हम लोग थोड़ी बाहर के, पता है हम लोग किससे मिले, गेस करो किससे। ज्योति से। यस। कहाँ मिले बोलो। उसके घर में या फिर बाहर में मिले। मॉल गए थे हम लोग ना, वहां मिले। बढ़िया। अरे हम लोग घूमने के लिए ऐसे ही गए थे, हम लोग को नहीं पता था कि जो ज्योति दी और मनोज भैया मिल जाएंगे हम लोग को मॉल पे। हम लोग बस ऐसे ही घूमने गए थे और हम लोग निकल रहे थे, हम लोग खरीदे दो जूस जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही, तो हम लोग निकल रहे थे, जस्ट सामने मैंने ऐसे देखा, फिर ऐसे किए ओ हम बोले फिर हम शौक हो गए कि हम क्या बोल रहे थे, हम ऐसे किए तो वो भी ऐसे किए हमको दी, उसके बाद हम क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हम सोचे कि पिक ले लेते हैं उन लोग के साथ। फिर हमने पिक लिया और बातें किए और उसके बाद हम लोग ने ठीक है तब जा रहे हैं बस। और क्या कितना देखा जल्दी से तुम वीडियो में देखना, ये क्या बोलता है, रेडी हो हम लोग जाएंगे कहीं घूमने। तो हाँ घूमने जाएंगे, कल मेरा एग्जाम है, आधा घंटा में हो जाएगा, चलो ना। और तेल भी लगाए हुए हैं, हम कहाँ घूमने जाएंगे, घूमू घूमू करने जाएंगे। तो गाइस मैं इसको बोल रही हूँ रेडी होने के लिए, और बट इसको कल इसका एग्ज़ाम है तो थोड़ा देर के लिए रेडी होना बस हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैं फ्रेश हो गई हूँ, अभी रेडी हो लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसको ज़रा सा भी पता नहीं था कि मैं इसको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तुमको कैसा लगा? हाँ पहले बोलती तो हम तेल नहीं लगाए, बाल धो लेते हैं पहले। एक्चुअली में क्या है ना, ये कल बाल धोने वाली थी क्योंकि कल इसका एग्जाम है, तो कल नहा धो के जाने में, नहाती है ऐसे नहाती है सॉरी मतलब मतलब कि ये तेल लगा ली थी बाल में जिसकी वजह से इसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, बट कोई नहीं, मैंने बोला चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो 100 के यहाँ पे लगा दिया है, और अभी जस्ट हम लोग केक काटने वाले हैं, तो इसको सजाने के लिए कम से कम लग गया आधा घंटा ना, आधा घंटा इसको लग गया, और आधा घंटा हम लोग रेडी हुए हैं। तो अभी फटाफट से केक काट चुका है जो कि रील्स बनाने के लिए, और बाकी इधर इसको घुमाया जा रहा है टेबल को, जस्ट ये देखो सजाए हैं कैसा लग रहा है बताना। ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सा सजाए क्योंकि इसका एग्जाम चल रहा था, तो फटाफट सोचे कि सेलिब्रेट कर लेते हैं, वरना बाहर जाएंगे कल, मेरा खत्म हो जाता जल्दी ये कल, बट कोई नहीं केक ले आई है, बट कोई नहीं अभी ये काट लो बाहर में एक काट लेना, हो गया। ये 100K फाइनली, ये चलो काटो, हैप्पी 100K कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी 100K कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। Yay!
वाह बहुत अच्छा था ये। हम लोग दोनों सेलिब्रेट कर लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा भाई क्यों नहीं है, भाई गया है बाहर खेलने के लिए और रात हो रहा था, कल इसका एग्जाम है तो सोचे फटाफट से केक काट लेते हैं और इसको फिर स्टडी भी करना है। तो मैंने ये चॉकलेट वाला केक लाया था, सीरियसली बहुत ही यमी लगा खाने में। अगर आप केक लाओ तो ये चॉकलेट केक लाना और एक बार ट्राई करना, मेरे लिए एक बार ट्राई करना जरूर, बहुत ही टेस्टी था। और मम्मी उधर काम कर रही है तो बिकॉज केक काट लिए हम लोग और इधर आ गया है उतना, तो चलो इसको भी खिला दो केक। काट लिया, ठीक है रुको ले जा रहे क्या हम लोग इधर, बाकी हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब काटे हैं, खा लिया, अभी रील्स बनाना बाकी है। तो फाइनली मेरा 200 के क्रॉस हो चुका है, 300 के पे बाहर पे 100 के खुशी में केक दीदी मिले थे तो हम लोग वीडियो क्यों नहीं बनाए, बिकॉज वो है ना अचानक से मिले थे, मैं ऐसे घूमी तो फिर और एक बार देखा हम लोग वही है क्या, फिर देखा मैंने कि हाँ दोनों ही है, मतलब शॉपिंग करने के लिए कुछ घूमने वगैरह गए होंगे, तो मिले बात किए, फर्स्ट टाइम ज्योति जी से बात किए और थोड़ा सा मैं नर्वस थी, फिर भी हम बात किए तो अच्छा लगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।